अश्विनी शर्मा ने कहा कि कल पूरे भारत में पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी, जिसके चलते पंजाब में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रोग्राम रखे हुए थे, परंतु कांग्रेस के इशारे पर बीजेपी के सारे प्रोग्राम में हंगामा किया। इसके संबंध में आज मैं बठिंडा में आया था। कल के हंगामे में बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हो गए थे, उनका हालचाल पूछा और बठिंडा के SSP से भी मिला। उन्हें भी आदेश दिया कि कल जिन लोगों ने गुंडागर्दी की है उनके खिलाफ कार्यवाही FIR दर्ज की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। भारतीय जनता पार्टी के समुची लीडरशिप और बठिंडा के इलैक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के नाल जुड़े हुए सारे साथियों का स्वागत है। मित्रों, मेरा आज बठिंडा आना होया। असी सब जानते हैं कि लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति नू अपने विचार की अभिव्यक्ति करन दा अधिकार है। पंजाब दे अंदर लगभग 3 महीने तो किसान अंदोलन चल रहे हैं और वो अपने लोकतांत्रिक अधिकार दा इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने अधिकार है अंदोलन करन दा, धरने लगान दा, जुलूस कढ़न दा और अपनी गलबात नूं पहुंचाउण दा। जद पंजाब दे अंदर ये अंदोलन शुरू होया, मेरा किसान जथेबंदियां दे कुछ बड़े नेतावां दे नाल मिलना भी होया और उन्होंने 3 चीज़ां दे उत्ते शंका जाहिर कीती। इन्हां खेतीबाड़ी कानूनां नूं लैके, दूसरी चीज ये मंडियां सरकारी खरीद और तीसरी थी कि SDM नहीं अदालत के अंदर भी विवाद अगर हो जाता है तो सानू जान का अधिकार होना चाहिए। इस गल नू लैके अंदोलन चालू होया। भारतीय जनता पार्टी ने भी और केंद्र की मोदी सरकार जद भी इस देश च आई है, जितने भी निर्णय उस सरकार ने लेने उदे केंद्र बिंदु च किसान, मजदूर और गरीब रहा और दलित रहा। और ये केवल कहन लई नहीं मैं कह रहा, मानो जनधन खाते के अंदर अगर 500 रुपया जाता है वो अमीर दे नहीं जाता, गरीब दे खाते दे। अगर शौचालय घर घर बनते हैं तो वह अमीर दे घर नहीं बन रहे, वह गरीब दे घर बन रहे हैं और बिना जाति बिरादरी पंथ पुछे बिना बन रहे हैं। ये सम्मान किसान सम्मान निधि अगर 2000 रुपया जा रहा है तो सब किसान के जा रहा है जिहड़े एलिजिबल ने और किसान के नाल मोदी की सरकार ने वादा किया कि तुहाडी आमदन नू डबल करना। इसे ही करके ये कानून लियांदे गए। लेकिन जिहड़ियां शंका मैं है उहदा निवारण करन लई सरकार हमेशा तैयार रही है। क्या ऐसा कोई प्रधानमंत्री होया अज तक जिन देश नूं राष्ट्र नूं संबोधित करदे हुए कहा कि अगर किसान की MSP भी रहेगी, सरकारी मंडियां भी रहनगियां, सरकारी खरीद भी होएगी, लेकिन फिर भी अगर किसी नूं कोई शंका है हाथ जोड़ के सिर झुका के ये सरकार किसान दे हित च हर गल सुनने नूं तैयार है। अपील न्यूज़ के लिए कैमरामैन कपिल शर्मा के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट, बठिंडा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।